हर साल की तरह इस बार भी हमीरपुर के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि आज निकाली जा रही है। इस जगन्नाथ रथ यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, लोग नाच गाकर भगवान जी को मना रहे हैं। लोग नंगे पैरों में आए हुए हैं। हमीरपुर में आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ जो यात्रा निकाली जा रही है वो लगभग 18-19 वर्षों से निकाली जा रही है। इस रथ यात्रा में लोग सैकड़ों की भीड़ उमड़ी होती है, लोगों की लोग बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग भी आए हुए हैं इस रथ यात्रा में। कितने सालों से आप यहाँ आते हैं? 10 साल से। तो ये रथ यात्रा जो निकाली जा रही है इसकी क्या मान्यता होती है? कौन सी क्या मान्यता है इसकी रथ यात्रा की? बस ये जगन्नाथ यात्रा। आप कहाँ से आए हैं? बल से। अच्छा, हर साल आते हैं इस रथ यात्रा को? कितने साल हो गए? हम अच्छा समझते हैं, नहीं तो हर अपना ज्ञान का कोई शब्द मिलता है ना? हाँ, अच्छा रास्ता मिलता है, आगे के लिए भी हमें कुछ अच्छी बुद्धि मिलती है। हाँ, आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम कोई 10 साल से। निकाली जा रही है। हाँ, आप इसमें कितने सालों से आ रहे हैं? सर, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। मैम अभी ना फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी, हमें ये बताइए कि ये जो इतनी भीड़ में लोग इसको रस्सी को खींच रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाती है। आज के दिन जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। और रस्सी खींचने का क्या अर्थ है, इसमें लिखा है शास्त्रों में, रथे तु वामनम दिष्टा पुनर्जनाम विद्यते। जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ में विराजमान दर्शन करता है उसको भगवान पुनर्जन्म से छुटकारा दे देते हैं। रस्सी खींचने का मतलब है भगवान को भाव होता है सब भक्तों का, भगवान को वृंदावन ले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र में ब्रज गोपियों को मिले थे, उनको आनंद नहीं मिला तो उन्होंने बोला नहीं, हमको वृंदावन जाना, हे नाथ चलो वृंदावन, हे नाथ चलो वृंदावन। इसलिए भक्त लोग रस्सी को पकड़कर यहाँ पर हम लोग हमीरपुर को कुरुक्षेत्र समझते हैं और दंगड़ी मठ को हम लोग वृंदावन समझते हैं। सब भक्त लोग दंगड़ी में जाकर जगन्नाथ जी को स्थापन करते हैं। बोल जगन्नाथ भगवान की, बलदेव भैया की। धीमे धीमे चलो। ये जो रथ यात्रा है ये कितने सालों से चल रही है? ये रथ यात्रा यहाँ पर 18 साल से चल रही है। इस बार 19वीं रथ यात्रा है और ये यात्रा में दिन खूब यहाँ पर पब्लिक होती है। यहाँ पर बहुत देश विदेश से लोग बाग आते हैं। यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं? हमें तो 10-12 साल हो गए जी यहाँ, जब अपनी होश में आए हम तो तब से हम चले हुए हैं ठाकुर जी के साथ, जगन्नाथ जी के साथ। क्या मान्यता है ये जो आप इसको रस्सी या जो भी है इसको खींच रहे हो आप, इसकी क्या मान्यता है? इसकी बहुत मान्यता है, जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं हम, हमारी सेवा परमात्मा के नाम जाएगी, जगन्नाथ से जुड़े हुए हम, वृंदावन से जुड़े हुए हैं लगातार। इसे मतलब आप क्या मानते हैं कि इससे क्या होता है कि इसको खींच के आप लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा अगले बार होता है, हमारे अगले जन्म की शुद्धि होगी इससे, हम परमात्मा की सेवा में समर्पित हैं अपने आप को, तो हमें अच्छा ही मिलेगा अगला जीव। हम क्या बोलते मन से जुड़े हुए, आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं इसे खींच के? ये जगन्नाथ भगवान है और सुभद्रा है, क्या नाम उसका, दाऊ जी है, इनकी रथ यात्रा पूरे देश भर में जो आज निकल रही है
उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको जो भी रस्सी या जो भी रथ को हाथ लगाता है उसके हर पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तब तो फिर मुझे भी हिंदू धर्म है, इसका मेन कारण सबको दर्शन दे रहे हैं जगन्नाथ जी आज, क्योंकि वहाँ मंदिर में किसी जातियों को दर्शन नहीं होते हैं ना, जैसे मुसलमान है क्रिश्चियन है, आज सबको दे रहे, कोई जाति का खुले आओ, ये इसका महत्व है। तब तो मुझे भी इसको खींचना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैंने पाप किए हैं या नहीं किए हैं, पर मुझे भी इसको खींचना चाहिए ताकि हिंदू को जाने देते हैं, बाकी को जाति अंदर नहीं आ सकती है, परंतु आज सब दर्शन करेंगे खुले आओ, इसका महत्व है। मैन अब इंदिरा गांधी को जाने नहीं दिया था, पुजारियों ने वही रोक दिया था कि तू हिंदू नहीं है। अब यहाँ पे कितने सालों से इस रथ यात्रा में आ रहे हैं? ये मैं तो पहली बार आया, वैसे इससे हम जुड़े हैं धर्म से, क्योंकि हम हर वक्त जगन्नाथ के चरणों में रहते हैं, इनके ध्यान में रहते हैं। यात्रा चल रही है जब से हम जुड़े हुए हैं इसमें, 18-19 साल से चल रही है। हमीरपुर वालों को धन्यवाद करना चाहिए जो चैतन्य घोड़े मठ यहाँ रथ यात्रा करा रहा है, चैतन्य घोड़े मठ वाली ये यात्रा करा रहे हैं, ये जगन्नाथ हमारा सब उसका पुण्य दे दिया है। ये कहाँ, यहाँ से हमीरपुर से नारायण मंदिर से दंगड़ी मठ तक, जाएंगे उसके बाद नादौन चले जाएंगे, नादौन से 12 तारीख पुणे वापिस आएंगे जी जगन्नाथ महाराज। अपनी मौसी के घर रहे थे, मौसी के घर से लौट के फिर आगे दंगड़ी मठ में जो है वो विश्राम करेंगे। गांव चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ की ओर से हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है, जो कि संपूर्ण विश्व में ये रथ यात्रा सनातन धर्मियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और ये जगन्नाथ पुरी इसका मेन केंद्र बिंदु है, और ये उत्सव पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, पूरे विश्व को एक सनातन वास्तविक धर्म का प्रेरणा देने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में जो कोई आएंगे भगवान को मानेंगे, भगवान कौन होता है, भगवान में कोई चीज है या नहीं, उससे उसकी प्रेरणा हमको इस उत्सवों में इन फंक्शनों में मिलता है, इसलिए ये रथ यात्रा मनाना चाहिए। भगवान जिधर से जाएंगे, जो जो रथ में नाचेगा गाएगा रस्सी पकड़ के खींचेगा जगन्नाथ का कीर्तन करेगा, वो सभी को मंगल होगा, भगवान की मान्यता से हृदय में पैदा होगी, श्रद्धा पैदा होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा पूरे विश्व को कल्याण पैदा करता है, कल्याण देता है, अमंगल दूर करता है, दुख दूर करता है, कष्ट दूर करता है, ये जरूर करना चाहिए। ये हमीरपुर वासी का भाग्य है और पूरे विश्व में होता है, हमीरपुर के लोग करने लगे हैं। धन्यवाद, हरे कृष्णा। बाबा जी हमें ये बताइए कि ये जो रथ यात्रा है उसमें जो लोग है रस्सी से खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, क्या रहस्य है उसके पीछे? भगवान जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान करा करके उनको हम ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, उनको यात्रा कराते हैं, भगवान को लेकर के उत्सव मनाते हैं, उत्सव भगवान को लेकर के उत्सव, हम अपने शादी में और घर के त्यौहार में नाचते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, वो तो करना पड़ता है, किंतु भगवान के लिए करना वो बड़ा भारी कल्याणकारी होता है। भगवान को रथ में बिठा कर ले जाने का यही उद्देश्य है, वो रथ में ले जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, भगवान खुशियाँ मनाएंगे, भगवान को याद करेंगे, इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर होगा, हमेशा हमें खुशियाँ मिलती रहेगी। बाबा जी इसके बाद ये कहाँ पर जाएगी ये यात्रा? ये जगन्नाथ रथ यात्रा हमीरपुर भ्रमण करते हुए दंगड़ी में जो चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद वापसी रात हम नदौन से करेंगे, और नदौन से हमीर दंगड़ी तक आएंगे फिर 12 जुलाई को। आप यहाँ पे ये झाड़ू लगाते हुए जा रहे हो, क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे झाड़ू? इसलिए लगा रहे हैं, जगन्नाथ जी की सवारी आ रही है, यात्रा आ रही है, तो उनके लिए सफाई का हम पत्ती कर रहे हैं। अब कितने सालों से इस रथ यात्रा से जुड़े हुए हैं? मैं तो जुड़ी हूँ 14 साल से दंगड़ी, यहाँ से दंगड़ी के लिए। तो इसमें क्या पैदल ही जाएंगे सब? पैदल ही। आपने दर्शन किए भगवान जी के?
क्या आपने दर्शन किए भगवान जी के? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? 10 सालों से। ये जगन्नाथ जो रथ यात्रा, ये कितने सालों से जो है वो आयोजित की जा रही है? 10 सालों से। Krishna, 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 Krishna.